नोटिस कर चुके होगे। बाय द वे, आप लोग में से कौन कौन अपने सनग्लासेस लेके आए हैं? शेड्स? शेड्स नहीं लाए? लाए होते तो अच्छा होता ना, क्या ये सब देख के आपके आंखों में मोतियाबिंदु हो जाएगा? तो आई कांट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। मेरा रिकी सिंह, तुसी किस रहो? गुड मॉर्निंग, वेलकम। थोड़ा हु हू करना होता है, जब मैं हाथ ऐसे करूंगा आपको हु हू करना है। क्या करना है? हु हू, 1 2 3। चंगे हो, चंगे हो। तुझे ना स्टार्टर बंद के दही यार, तू इनको पैक करा के देना, घर पे लेके जाएंगे। माय नेम इज रिकी सिंह। वो रेड एफएम पे एक शो आता है शाम को, आरजे का नाम क्या, ऋषि कपूर, ऋषि कपूर, ऋषि कपूर। मैंने उसके शो का एक घंटा खा लिया। वो कितने सारा नॉन फिल्मी म्यूजिक बन रहा है ना, चंगा वाला, तो उसके लिए एक अलग शो देना पड़ता है। 10 9 8 7 ऐसे करके हम पूरा काउंट डाउन कर देते हैं, तो वो भी हम भी करते हैं। और आज हम बड़े अच्छे मौके के लिए यहाँ पे आए हैं। बाय द वे, रिकी सिंह कनेडा से आया है। रिकी सिंह स्ट्रगल कर रहा है। रिकी सिंह लोखंडवाला में 8-8 लोगों के साथ ही बैठ के सो जाता है, तो अभी हमारे सपने भी मिक्स होने लग गए हैं सर, इतने नज़दीक नज़दीक होते हैं। लेकिन उस सबके पहले मैं आपको बता दूं, मैं बड़ा हैप्पी हूं इधर होने को यार, मैं बड़ा ही हैप्पी हूं। क्योंकि ऐसा है ना कि मेरी एक सुपर पावर है, मैं आपको बताता हूं। फ्राइडे को मेरा शो आता है 5 से 6 नॉन फिल्मी, बहुत ही अच्छा वायरल काउंटडाउन। मैं ना किसी की भी शक्ल दिखा के बोल सकता हूं कि उसकी शक्ल पे कितने व्यूज़ हैं। मैडम जी जो फ़ोन पे हैं, हाँ जी, आपका नाम क्या है? हाँ जी, अनन्या, अर्चना, जो भी है बड़ा चंगा है। आपके चेहरे पे मुझे 17 मिलियन व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, मस्त। आपका वीडियो आएगा, रिकी तेनू हिट कर देगा। आपका नाम क्या है? हाँ, अनन्या। नहीं, आपके चेहरे पे व्यूज़ नहीं, सिर्फ नाम पूछना था। अच्छे लग रहे हो, गुड, वेल डन, थैंक यू सो मच भाई। इसके पहले कि मैं शुरू हो जाऊँ, अपना काम शुरू करूँ, आपको सब पता ना हम यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? क्योंकि हमारे यहाँ साथ में एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, पद्मश्री हैं, बहुत ही चंगे हैं, मेरे से बस थोड़े से ज्यादा क्यूट लगते हैं। ताड़ी आज दे स्टार, जिन्हों का नया सॉन्ग आया है अदनान शामी। सर जी, वेलकम, वेलकम। Wow, sunglasses, please. Sir ji, welcome. Kine tusi change lag rahe ho, ne cute lag rahe ho. Shoes tade Rikki to bhi change hai. Bada hi acha lag gaya aapko aaj dekh ke. Thank you. Nahi, this is like export quality. Yes, right. Yahi Lokhandwala se export kiya tha. Sir ji, kitna changa lag raha hai tonu, aap jab bhi gaane banate ho, matlab aapko aur TCS ka pata nahi kya alag hi rishta hai. Ye subah uthte hain, angadai lete hain, tera chehra inna bada hit. आप लोग टैलेंट का यूज करने दे, वेट नहीं करते हो? पहले तो बहुत ज्यादा वेट के साथ हम करते थे, हाय हाय। अब सोच में वेट है, हाय हाय। जोरदार तालियां। सर जी स्टैंड अप भी कर लेते हैं, मतलब कितना चंगा है। सर मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आप ऐसे गाना सोचते हो, यू डिसाइड कि ये गाना हमने बनाना है, वो दिल से फील आती है? गोवा वोवा जाना पड़ता है, मतलब ये गाने आप इमीडिएट कैसे? इस तरह के गाने जब आते हैं तो एकदम दिल को छूते हैं। जब वो दिल को छूते हैं तो अगर हमारे दिल को छू जाते हैं तो हमको फिर यकीन है कि अगर हम दिल से गाएंगे तो दुआ ये होती है कि लोगों के दिल में भी बस जाएं। बहुत ही अच्छा है। अच्छा, वैसे दिल में बसने से बात याद आई, सलमान खान सबके दिल में बसते हैं, आपके बड़े चंगे फ्रेंड हैं, आपको बड़ा उन्होंने एक्सेस दे दिया था, मुझे याद तू गाना बता, तो ये जो गाना हमारा तू याद आया, इतना स्पेशल सॉन्ग है, आपने बड़े स्पेशल बंदे को फर्स्ट में दिखाया, तो उनका रिएक्शन की थी? He loved it. बहुत पसंद आया उनको। अच्छा। Yeah, he loved it. And वीडियो भी उन्होंने देखी और गाना भी सुना, तो he loved it. बहुत, मतलब वो अच्छी वाइब आ रही है मुझे इस गाने से। By the way, गाना थोड़ी देर पहले आउट हुआ, let me be the first one to tell you, within 28 minutes, we've crossed 3 lakh views on the song already on YouTube. Wow. 3 lakh views. That is brilliant. मतलब सर, रात तक अगर मुझे गाने पर आप सबकी वजह से 1-1 मिलियन व्यूज नहीं आए, रिकी सिंह खुद तुम्हारे कार आएगा, तुम्हारे फोन से गाना देखेगा, बाकी आप देख लेना। तो क्योंकि यहाँ पर अदनान सर मेरे साथ खुद खड़े हैं, देख लें हमारा क्यूटी बाय द न्यू सॉन्ग तू याद आया, देख ले एक साथ, चलो जी कर लेते हैं। अच्छा, बड़े जूते भी खाए। यह तो मैं बिलीव नहीं कर सकता। ये बड़ी लंबी दास्तान है, उसके लिए एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। अलग से आप लोग आना लंबी दास्तान के लिए विद रिकी सिंह एंड अदनान सर। बहुत हार्डवर्क होता है ऐसा कोई गाना बनाने में, और जो हार्डवर्क आपको ब्लूटूथ लिटरली कर सकते हैं, भूषण सर, भूषण कुमार जी कितने हो तुसी, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, द वन एंड ओनली, द
the vision behind the song, sir ji, yahan aa rahe, zordaar taaliyan. Sir ji, welcome. What a beautiful song. Bada hi acha lag raha hai. Maine suna aap log bade close friends hain, matlab ek dusre ki wife ki gossip bhi kar lete hain aap log. To matlab kaisi hai aapki dosti inke sath, pehle ye bataye. See, bahut purana rishta hai. Mujhe abhi bhi yaad hai jab inka gana भीगी भीगी रातें पहली बार आया था और वहाँ से हमारा एक एसोसिएशन शुरू हुआ था. वो गाना हमारे पास नहीं था तो, और हमारा जब एसोसिएशन शुरू हुआ तो मुझे आज भी याद है जब इनके मैं लोखनवाला वाले घर पे जाता था. दैट टाइम ही वाज ट्रिपल हिज साइज. दैट टाइम आई वाज अ ग्रुप. सो वहाँ हमने तेरा चेहरा बनाया था, वो एल्बम बनाई थी एंड दैट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट सुपर बिग एल्बम जो हमने काफ़ी मेहनत करके, आई थिंक वी यूज टू डू सिटिंग्स, लॉट ऑफ सिटिंग्स फॉर ऑल द सॉन्ग्स एंड वो एल्बम बहुत लोगों को पसंद आई और हमने उसमें फर्स्ट टाइम आई थिंक एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स को वीडियो कोई करता नहीं था एक्टर्स, सो वेरी गुड एसोसिएशन. उसके बाद काफ़ी हमने एल्बम्स की, काफ़ी एल्बम्स बहुत अच्छी चली और फिर फिल्म्स में गाने किए, तो बहुत लंबा है एसोसिएशन एक्चुअली. और ये गाना जो है ना स्पेशल है, इट्स अ लव सॉन्ग, इसमें इतना सोल है. ये गाना कैसे आप लोगों ने मिलके मतलब कंसेप्चुलाइज किया? आपने भी कुछ ऐसे आइडियाज दिए होंगे, इट मस्ट हैव कम फ्रॉम समवेयर. एक बहुत इंस्पिरेशन होती है ऐसे गाने के पीछे अक्सर. सी, ये सॉन्ग आई थिंक हमें 6 महीने लगे बनाने में, या क्योंकि काफ़ी गाने थे जो हमने सुन के रिजेक्ट किए. फिर कुणाल जो हमारे साथ काफ़ी काम कर रहे हैं, उन्होंने गाना कंपोज किया है और लिखा भी है, बहुत खूबसूरत लिखा है. और अगर आप देखेंगे इसमें उस टाइप की फीलिंग है जैसे अदनान सामी के गानों में हमेशा पाई जाती है. आप देखेंगे तेरा चेहरा, हमने दिल कह रहा है दिल से किया, काफ़ी गाने हैं, तो वो मेलेडी को ध्यान में रखते हुए हमने ये गाना मैंने चूज़ किया. और हमने बहुत टाइम लगाया एक्चुअली, काफ़ी गाने थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गाने थे जो ये करना चाहते थे, बट आई वॉन्टेड ही शुड कम with that kind of nostalgia जो इतने साल पहले लोग गाने इनके सुन सुन के आज भी सुनते हैं. और जिन्होंने ये गाना लिखा है और साथ में म्यूजिक भी बनाया, कुणाल वर्मा को मैं बुलाना चाहूँगा. बहुत मेहनत लगती है, हम 3 मिनट में गाना देख के बोल देते हैं अच्छा है बुरा है, लेकिन जो 6-6 महीने इस पर काम करते हैं, पूरा खून पसीना एक करते हैं, बड़ी कूल लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं आपके और मेरे ग्लासेस, एकदम मजा आ गया. मैंने सुना आपका नाम वैसे कुणाल वर्मा है क्योंकि आपने डबल ए वगैरह लगाए हुए हैं, सही बात है? हाँ, वो मेरे एक दोस्त ने लगा दिया था. नहीं, काम तो कर गया अदनान जी के साथ, गाना मिल गया इनको भी. अदनान वो नहीं करवाया आपने वैसे. अच्छा, मुझे बताइए अदनान के बारे में, आपने मतलब सोचा था जब ये गाना, इंसान है ना विजुअलाइज कर लेता है, जैसे आप आगे जो गाने लिखोगे मेरे को सोच के, वो आपने विजुअलाइज किए होंगे, इस गाने पर भी आपको एक विजन आई होगी? नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी होगा कि अदनान सर के लिए मतलब म्यूजिक करना, मतलब मेरे को मौका मिलेगा. बट एक बार तीसरी से फ़ोन आया क्योंकि सर ने गाना सुना हुआ था, भूषण जी ने, तो वो बोले कि एक अदनान सर से मिल लो जाके एक बार. तो मुझे पता ही नहीं था क्यों जा रहा हूँ मैं. तो मैं गया तो सर बोले कि यार ये गाना मुझे बहुत पसंद है और इसको सिंगल करना है. तो मैं ये सोचा था, मैंने कहा सर तो खुद ही म्यूज़िक करते हैं, मतलब मेरे से, मतलब मैं वो उसी वाइब में था, सर ने मुझे मौका ही नहीं दिया. ये पियानो पे बैठ गए और इसको ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मैं सब सोच रहा कि अब प्रोग्रामिंग कौन करेगा. तो सर ने मुझे काफ़ी सारे रिदम बताए बोल के कि ऐसा करना है वैसा करना है. मेरा क्या ये इंडियन रिदम पे थोड़ा कम समझ है मेरी. तो फिर फाइनली आदि भाई को मैंने जाके मुँह से सुना रहा था कि मैंने कहा आदि भाई ऐसा ऐसा कुछ बताए आप देखो क्या है. एंड देन फिर ये समझते थे आदि भाई ऑलरेडी पहले से ही कि मुझे पता है उनको क्या चाहिए. एंड दैट्स हाउ द सॉन्ग कम्स. अदान वैसे बड़ी कूल है काम करने के लिए साथ में, मैंने इनके बारे में बड़ा सुना है, मतलब एकदम चिल विल, बैठ जाते खाओ पियो या टेंशन नहीं, काम तो होता रहेगा. हाँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जब पहली बार सर और आदि भाई जब काम कर रहे थे तो हम लोग बैठे थे, मुझे लगा 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, 5 बज गए रात को. ये लोग जैसे खेलते हैं ना, दोनों कीबोर्ड से खेले जा रहे हैं, हम सो गए बैठे बैठे. और फिर 6 बजे बोलते हैं कि हाँ आज का हो गया, कल फिर से बैठेंगे हम लोग. तो ये 3 रात कंटिन्यू ये दोनों लोग बैठे थे. और सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स एंड ये मेरे लिए ब्लेसिंग है. एंड सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे वो दिन आज भी याद है जब मुझे बुला के मेरी पीठ थपथपा के बोला था कि कुणाल तू बहुत अच्छा काम करेगा, बस तू याद रखना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ. थैंक यू सो मच सर. बहुत ही चंगा लग रहा है. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है
इस वीडियो का, वो यहाँ पर नहीं है पर उन्होंने मैसेज दिया है। अक्सर मुझे मतलब गुड नाइट वगैरह वो मैसेज करती हैं, लेकिन आज जो है उनका एक बहुत ही अच्छा मैसेज है जो हम स्क्रीन पे देखेंगे। चंगा लगेगा तो मतलब जोर जोर से तालियां मारना। कैन वी प्लीज द मैसेज प्लीज। लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे एक सरप्राइज मेरे पास आप लोग के लिए, ये पियानो यहाँ पे बस ऐसे ही नहीं पड़ा है, इसका कुछ होने वाला है बहुत बड़ा। क्या है कि अदनान सर जब उंगलियां इस पे लगाते हैं ना, गोली की तरह बिल्कुल चलती है और आवाज जो आती है आय हाय। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, सिर्फ आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो सर शायद इस पे कुछ प्ले कर दे। दिस इज द टाइम टू गेट इट डन। क्या बोलते हो सर जी? पब्लिक डिमांड है सर। आंखों पे, सर आंखों पे। चलिए कर लेते हैं। हम बताना चाहूंगा फॉर लिटिल मीडिया राउंड अप ऑफ क्वेश्चंस। मेरे मीडिया दे फ्रेंड्स बड़े उत्सुक ने। व्हाट एन एक्सपीरियंस। मेरे मीडिया के कुछ दोस्त जो कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे सर को। जी जी, इतना लंबा वक्त क्यों लिया आप लोगों ने फिर से कम बैक करने के लिए? सुस्ती और कोई वजह थी? सुस्ती। आई एम लेजी एंड ही वाज रिस्पांसिबल फॉर टेकिंग मी आउट ऑफ माय लेजीनेस। लेकिन आप सुस्त कैसे हो सकते हैं? फास्टेस्ट फिंगर है आपके पास। वो सारी एनर्जी उस पे जाती है ना, बाकी सब चीजों में मैं सुस्त हूँ। But jokes apart, I think hum even though we were not working for a long time, lekin dosti aur milna julna to hamesha se tha. Hum aksar baat kiya karte the ki karna chahiye, lekin I guess waqt jab chal raha hota hai to insaan ko andaaza nahi hota ki kitna arsa guzar gaya. Ye jab humne actually baith ke socha ki आखिरी मरतबा कब किया था, तो पता लगा कि 9 साल हो गए। डिडंट रियलाइज दैट 9 years वेंट बाय सो क्विकली, यू नो। तो आई गेस यू नो एट द एंड ऑफ द डे गॉड इज द ग्रेटेस्ट प्लानर, सो इट वाज ऑर्डेन्ड टू हैपन नाउ एंड आई एम ग्लैड दैट इट हैपेंड एंड इट वाज जस्ट वंडरफुल कि दैट इट वाज विद हिम एंड विद टी सीरीज एंड सच अ फाइन टीम ऑफ पीपल विद ऑल द एंथुसियाज्म इन द वर्ल्ड। इट्स जस्ट वंडरफुल। मैं खुद जब भी मैं काम करता हूँ तो जुनून के हद के साथ करता हूँ, तो इनका भी यही हाल है अपने फील्ड में। तो अच्छा लगता है कि जब सब जुनूनी जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। भूषण सर, इन दिनों जैसे मतलब रिक्रिएटेड सॉन्ग्स का दौर है, तो अदनान सर से कोई मतलब रिक्रिएटेड सॉन्ग करवानी है या करवाना हो आगे कभी? एक्चुअली मैं इनको काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे हैं कि इनका अपना जो हमारा गाना है तेरा चेहरा, उसको आज इतने सालों बाद वापस बड़े पर्दे पे लाया जाए और एक किसी फिल्म में डाला जाए, जो इनकी भी ख्वाहिश है। कि नॉर्मली कई म्यूज़िक डायरेक्टरों की ख्वाहिश ये नहीं होती है, आई डोंट नो व्हाई, कि वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हम पुराने गाने क्यों रिक्रिएट करते हैं। लेकिन हम बारे पुराने गाने इसलिए रिक्रिएट करते हैं तो क्योंकि आज की जनरेशन जो वो गाने जो नहीं देख पा रही है, जिन्होंने नहीं देखे हैं नहीं सुने हैं, उनको वापस हम फिल्म के माध्यम से और उसको वापस आज के हिसाब से शूट करने के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो यस, इनका गाना तेरा चेहरा करने की मेरी वो है कि ख्वाहिश है कि हम लोग उसको रिक्रिएट करेंगे। कोई फिल्म चुन ली है आपने मतलब? हाँ जी, कोई फिल्म मतलब है जहन में आगे अपकमिंग? मतलब नहीं, अभी ऐसे नहीं डिसाइड किया, लेकिन फिल्में तो काफ़ी हैं, तो किसी ना किसी फिल्म में जहाँ अच्छी सिचुएशन में ये जस्टिफाई करेगा वहाँ ज़रूर डालेंगे। हेलो अदनान सर। हाय रुचिता फ्रॉम पीपिंग मून। सर, आपने काफ़ी अच्छे गाने बनाए हैं ओवर द इयर्स। लिफ्ट करा दे अभी भी बहुत ही फेमस रहा, अभी तक लोग सुनते हैं उसे, तो ऐसे जॉनर में कोई सॉन्ग इफ यू वुड लाइक टू अगेन मेक इट? यकीनन, एब्सोल्युटली, आई मीन आई वुड लव टू डू इट, क्योंकि हमने इकट्ठे ऐसे भी गाने किए हुए हैं इन द पास्ट। कभी नहीं वॉज वन विच वी डिड विद अमिताभ बच्चन जी। तो इस तरह का गाना डेफिनेटली हम करेंगे, और क्योंकि ये एक अलग एक रूह, मेरा अपना एक अपना कैरेक्टर है जो विच इज़ फन लविंग, यू नो। सो आई लव टू डू अ सॉन्ग लाइक दैट। बिल्कुल भूषण जी, सिंगल्स वगैरह पे तो आप काफ़ी काम कर रहे हैं, गज़ल और कव्वाली पे भी कुछ ध्यान है, कुछ उसके लिए भी आप दोनों कुछ करना चाहते हैं खास?
देखिए अगर आप इस गाने को ध्यान से सुनेंगे, ये उस तरीके का मेलोडियस गाना है जो गज़ल नुमा भी है, बट जो आप एक्चुअल गज़ल की बात करें, यस हमारे प्लान में है, हम एक कुछ गज़ल की एक सीरीज़ करने वाले हैं अगेन आजकल के सिंगर्स सबके साथ करके, और हम उसके ऊपर भी हम लोग जल्द से जल्द उसको लॉन्च करेंगे। उस खुशी का तो मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ही अनमोल है और बहुत ही ज़बरदस्त है। बल्कि पद्मश्री का जो एक एजाज़ है जो मेरे ऊपर नवाजा गया है, उससे मैं समझता हूँ कि एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान के कंधों में आ जाती है। तो आई लुक एट इट फ्रॉम द परस्पेक्टिव दैट I feel a tremendous sense of responsibility to try and do even more and better. I hope so. तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर उनको पसंद नहीं आए मैंने उनको माफ कर दिया, कोई बात नहीं, बेचारे सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। हेलो, यूसी क्या है, हैंडफुल ऑफ पीपल को अगर ना पसंद आए तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, 1.3 बिलियन को तो पसंद आ गया ना, तो इनको क्या करना है, साइड में करो। एक बहुत पुरानी सेइंग है, इफ यू वांट टू कीप एवरीबॉडी हैप्पी सेल आइसक्रीम, तो वो तो नहीं कर सकते, पर सर जी का जब जब वैसे मन होता मुझे बुलाने का, मैं खुद अवार्ड साफ करने जाता हूँ, मतलब मेरे इतने चंगे फ्रेंड हो गए हैं अभी। हाँ जी, मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चन। हाँ, रोहित नाम है मेरा, अमर उजाला से हूँ मैं। अन्ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक्चुअली कि आपने जो पुराने गाने गाए, जैसे कि आपने तेरा चेहरा बताया, तो उस टाइम पर देखा गया कि बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चलते थे गाने, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि गानों की उम्र बहुत कम हो गई है, आते हैं अच्छे गाने आते हैं और बहुत जल्दी भुला दिए जाते हैं, तो इसका कारण आपको क्या लगता है? एक्चुअली बात ये कि आज अगर पूरी दुनिया का माहौल देखा जाए, ना सिर्फ गानों के ऊपर आप देखें, तो दुनिया जिस रफ्तार में चल रही है, आज सुबह कोई खबर जो है वो बहुत ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, शाम तक वो पुरानी न्यूज़ हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी और चीज़ें हैं जो आके उनको टेक ओवर कर जाती हैं। तो ये जो एक आई वुडन्ट से नया, लेकिन ये जो एक दौर है, इसमें हर चीज़ के साथ ये है। पहले फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ियाँ जो थीं, वो आप एक गाड़ी खरीदते थे वो सालों सालों तक चलती थी, अब उसकी भी लाइफ जो है, उसकी जो लास्टेबिलिटी है वो भी कम हो गई। तो दिस इज समथिंग दैट इज़ देयर थ्रू आउट द वर्ल्ड, including fast food. Anand sir, all this while you were not doing a single, you were not coming out with a single, you were of course doing film music. Tell me, was there ever a part of you which really craved to come back and attempt a single after all these years, and how did that happen? Yeah, there was. I mean, but you know, the thing was that even though I had taken a sort of self-imposed kind of a sabbatical, you know, but the thing was that a writer or a composer writes all the time, regardless of whether it reaches the public or not. You're constantly writing or composing whatever it is that you do. So I was constantly composing, lekin I just felt that you know, when the time is right, when I'm mentally ready and so on and so forth, you know, these things come together with a tremendous amount of synergy. And it just so happened that at that time, when we got together to discuss the possibility, it was just, things just fell into place. And it was just meant to happen, I guess. So, I mean, I'm a firm believer of destiny, you know. So, you know, I've tried so many times to come up with that 5-year-old plan, then it works. So I just finally concluded that if you want to make God laugh, tell him your plans. So it was meant to happen now. And we both felt that it was the right time, and here we are. And so, bless you. So we can just hope that, you know, this has been a wonderful start. And we're looking forward to doing a whole bunch of other things, as he was saying. Correct. मैं सबको याद करता हूँ क्योंकि मैंने सबसे सीखा है,
मतलब कि एक तो मेरे अपने जो खास गुरु जी हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी, उनको मैं हमेशा रिस्पेक्ट्स पे करता हूँ, और उनके अलावा सारे वो महान आर्टिस्ट जिनको सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ, उन सब का म्यूज़िक जो है वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर है और उन सब से मैंने सीखा है, तो वो सब मेरे गुरु हैं और मैं उन सब की बेहद इज्जत करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी आपके सामने पेश करता हूँ, मैंने कुछ ना कुछ सबसे सीखा है, तो सब मेरे गुरु हैं। जैसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब हैं, पंडित भीमसेन जोशी जी हैं, पंडित जसराज हैं, उस्ताद वलायत खान साहब हैं, पंडित रविशंकर जी हैं, उस्ताद सुल्तान खान साहब। सो आई मीन आई हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम एवरीबडी, यू नो, सो आई सल्यूट ऑल ऑफ देम। Anand sir, just also taking from my colleague up there, when you were awarded Padma Shri, there were of course people who said your father was a Pakistani army veteran and how could the honor be given to you? You of course in your rightfully said that you should not be answerable to what the actions of your fathers were. But tell me, how do you look at it when Muslims in the country are then again made to feel answerable for what Mughals did centuries ago, seemingly did? How do you look at the dichotomy, Adnan sir, that your present actions should be taken into consideration, not your past, but the community in India should be answerable to what happened centuries ago? Is there a dichotomy in the political discourse that you see, Adnan sir? Well, you know, first of all, you know, the best thing about history is that it's in the past and it should be kept in the past. So that's where it belongs. That's why God gave us eyes to look forward, not back. So the most important thing is that we should forget about that, because nobody from that era is alive today to answer these questions, least of all you and I, or anybody for that matter. Secondly, this is all about politics. I'm not a politician. I'm a musician. Just like you wouldn't ask a politician about Raag Darbari. So don't ask me about politics. So all I know is that I'm a musician. I spread love through my music. Those who sometimes even have issues with me, they too listen to my music. And I'm cool with that. I'm cool with that. God bless them. And let the Mughals and all those other people, the British and all those, and anybody else that you want to bring in, the Mongolians, the whatever, you know, Alexander the Great, they've died, they've done their bit. Let them live, you know, rest in peace, and let's look towards what we can do for our country instead. Thank you so much. Thank you. Also, thank you mentioned, Adnan sir, you mentioned responsibility. Tell me, in what terms, in what sense do you feel a lot more responsible after the big win? Well, you know, the thing is that the most important thing is that what is the field with which, upon which I have been given this blessing of an award? That is art, music. And my responsibility to my fans, to my country, is through my profession, which is music. So my responsibility, apart from being a responsible citizen in general, is to ensure that I give my best through my profession, which is music, for which I have been honored, and to try and excel and give back even more my love, which I only know how to express through music, and I will try and keep doing that. Thank you. Thank you. लोग कहते हैं कि म्यूजिक का सर या पैर नहीं होता, म्यूजिक सर से पैर तक सिर्फ दिल होता है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, उसका कोई हिस्सा नहीं होता, वो सबके लिए है। तो थैंक यू सो मच फॉर सेलिब्रेटिंग म्यूजिक विद अस, टी सीरीज तू याद आया लेकर के आए हैं अदनान सामीदा, बड़ा ही सोना सॉन्ग, कुनाल हैज वर्क सो हार्ड इन दैट सॉन्ग। मैं भी बुलाना चाहूंगा ऑन स्टेज आदित्य, जिन्होंने गाने की पूरी प्रोग्रामिंग की है, बड़ी स्वीट स्वीट। साथ में मैं बुलाना चाहूंगा टी सीरीज के विनोद सर और शिव सर को, एक छोटा सा फोटो अप कर लेते हैं। This is the only amount of time we had for all the questions. I hope you've liked the song. And I'm Ricky Singh isse play karne wala hu apne viral countdown pe Red FM 93.5 par. Wahan pe zarur se suniyega bhar bhar ke. Jaapate milte rahenge.